उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई लोग इस समय सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी काफी दबाव में काम कर रहा है। यूपी पुलिस किस तरह से काम करती है उसकी मिसाल रामपुर में देखने को मिली, जहां एक नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले 5 साल के मासूम बच्चे से ही अमन को खतरा बताते हुए पुलिस ने धारा 107 व 116 के तहत कार्यवाही कर डाली। कानून व्यवस्था बनाए रखने व अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पुलिस प्रशासन अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 107 व 116 के तहत जिन लोगों से अमन का खतरा होता है उनको पाबंद करने की कार्यवाही करती है। पुलिस की इस रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट मुचलकों के लिए नोटिस जारी करते हैं, लेकिन भला हो यूपी पुलिस की कर्मठता का, जिन्होंने महज 5 साल के मासूम बच्चे को ही शांति भंग का खतरा बताते हुए कार्यवाही कर डाली। वही इस मामले पर जिलाधिकारी आंजनेय कुमार से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी एक व्यक्ति उनके पास एक बच्चे को लेकर आया था, उसका नाम जैद बताया जा रहा है। साथ ही कहा कि इस बच्चे के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से धारा 107 व 116 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को उन्होंने देखा है, इस प्रकरण की जांच भी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक से भी इस मामले को बताया गया है, इस मामले की जांच की जाएगी और जिस किसी की भी इसमें लापरवाही होगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। मामला है सर 107-16 और 107 का जो बच्चे का मामला है। अभी एक व्यक्ति एक बच्चे को लेकर आए थे, उसका नाम जायद बताया और ये कहा कि इस बच्चे के खिलाफ 107-16 की नोटिस जारी हुई है यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट से। मैंने अभी उस मामले को देखा है, इस प्रकरण की जांच कर रहा हूँ और पुलिस अधीक्षक रामपुर को भी दिया है, तो इस मामले को बताया है। इस मामले में देखा जाएगा, अगर उसमें जिसकी भी लापरवाही या गलती सामने आएगी उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामपुर में आइडेंटिफाइड प्लस होम डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 75,000 रुपए चोरी को लेकर थाना कोतवाली सिविल लाइंस में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसको लेकर पुलिस ने कई जगह छापेमार कार्यवाही की, जिसमें आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई। पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में घटनास्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जिसमें सही विवेचना पर पता चला कि चोरी में 1,20,752 रुपए लूटे गए, जबकि 88,413 रुपए का गबन कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा ही किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ से अन्य अभियुक्तों को भी बताया गया। इन सभी अभियुक्तों से 1,68,752 रुपए बरामद कर लिए गए, जिनमें 3 तमंचे, 10 कारतूस, 1 मोटरसाइकिल व 1 कार्टून का गत्ता जिसमें रुपए भरे हुए थे। इन सभी चीजों को बरामद किया गया। इसके साथ ही इन सभी को पकड़ कर जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि सभी अभियुक्त अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। हाँ यासीन, क्यों लूट की थी, क्या बात थी बताएं? यासीन उस दिन कैसे प्लानिंग बनाई थी आपने, प्लानिंग बताओ पूरी। प्लानिंग हमारी नहीं थी, फिर प्लानिंग हमारी थी नहीं। किसकी प्लानिंग थी फिर? ये रविंदर की। अच्छा, कौन है? कौन है रविंदर सर? लड़का है। और तुम तो पहलवानी करते हो? जी सर। कौन कौन से अखाड़े में जाते हो? शमशान घाट अखाड़े में पहलवानी करते हैं। और क्या बनना चाहते थे? जी पढ़ाई कर रहे थे। फिर अखाड़े में गए? अखाड़े में कुश्ती सीखते थे। तो कौन है तुम्हारा वो कुश्ती जो सिखाता था? रविंदर सिखाता था। तो ये कहाँ, किसने सिखा दिया डकैती करना, लूट मार करना? जी सर सिखाया नहीं, ये गलती से हो गया। गलती से? जी सर। तमंचे कहाँ से आए? जी हमें कमरे पे मिले थे, रविंदर ने दिए थे। रविंदर ने जो तुम्हें अखाड़ा सिखाते था? और कारतूस सर उसने दिए थे। प्लानिंग की योजना? योजना ही सर उसी की थी। क्या योजना थी, पूरी योजना तो बताओ, यही तो सुनना चाह रहा हूँ मैं। जी सर योजना क्या बनाई थी, कब से प्लानिंग चल रही थी? लूट जो की थी किस उद्देश्य से की आपने? जी सर लूट जो की थी किस उद्देश्य से की थी? घटना को अंजाम दिया था, किसकी प्लानिंग थी? कितनी बार बताएं, किसकी प्लानिंग थी? रविंदर कौन है ये, क्या करता था? सर ये रामपुर में लूट का खुलासा हुआ है, क्या मामला है? ये 31 की रात को यहाँ पे आईडेंटी प्लस एक गोडाउन है, कंपनी है जो फ्लिपकार्ट के लिए सब्सिडरी का काम करते हैं, यहाँ से सामान डिलीवर होता है और कैश ऑन डिलीवरी का पैसा यहाँ पे जमा होता है। तो यहाँ पर 31 की रात को 5 लोगों ने धावा बोला और इनका कैश एक पेटी में रखा रहता था, खुली पेटी में, गत्ते की में, वो ये लूट के ले गए। इसके बाद हमने केस दर्ज करके अपनी टीमें बनाई और टीमों ने इस पर टेक्निकली और जो ज़मीनी मुखबिरी होती है उसके थ्रू काम किया
और कल रात को हमें इसमें सफलता मिली और हमने इसमें पूरे प्रकरण में टोटल 10 लोग अरेस्ट करे हैं। इन 10 लोगों से हमें करीब 1,68,752 रुपये बरामद हुए हैं। 3 तमंचे, 10 जिंदा कारतूस और एक लाल कलर की जो मोटरसाइकिल अपाचे थी वो भी बरामद हो गई है। जिस कार्टन में पैसा ले गए थे वो कार्टन बरामद है और जो कपड़े इन लोगों ने डकैती के टाइम पे पहने थे वो भी बरामद हो गए हैं। सर, इसमें फिलिपिंदित कितना स्टाफ है, इन 10 लोगों में गिरफ्तार हुए हैं और जो लोग गिरफ्तार हुए उनका बैकग्राउंड क्या है? जो लोग गिरफ्तार हुए हैं सब नई उम्र के लड़के हैं, 18 से 20 साल की इनकी एज है और इसमें फ्लिपकार्ट के जो टीम लीडर वहाँ पे कहते हैं टीम लीडर हैं और हब इंचार्ज हैं और जो मैनेजर वो भी इन्वॉल्व हैं। इसमें जो मैनेजर था उसका रोल ये था कि लूट के बाद उसने जो अमाउंट थी वो छुपाई, वो पुलिस को गलत बताई। पहले 7,73,000 रुपये बताए, उसके बाद उसको कम किया, लिख के दिया कि नहीं सिर्फ 2,09,000 रुपये गया है और अंत में जब रिकवरी हुई, जब पूछताछ हुई तो उसमें पता लगा कि 88,000 रुपया समथिंग इन्होंने खुद ने मैनेजर ने स्टाफ ने मिलकर उसमें से गायब किया था। फिर इन लोग का आपराधिक इतिहास क्या है? अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, पास के जनपदों में ढूंढा जा रहा है, अगर कोई इन्होंने आपराधिक वारदात करी होगी तो हमें मिल जाए। सर, ये लोग किसी अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं, पहलवान टाइप के, कैसे इस षड्यंत्र को इन्होंने अंजाम दिया, क्या योजना थी? इन्होंने जो पूछताछ में बताया है कहा है कि पटवई में किसी अखाड़े में ये लोग पहलवानी और एक्सरसाइज करते थे, वहीं पर इनकी जान पहचान हुई। इनमें से एक का जो रिश्तेदार है वो ये 95+ में काम करता था, उसी ने बताया ये 20-25 दिन से ऑपरेशन शुरू हुआ था कि यहाँ पे पैसा कैश ऑन डिलीवरी का जमा होने लगा था, तो उसने पूरा इनको बताया कि इस तरह से पैसा आता है। इन्होंने प्लानिंग करी, प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया। तो पुलिस टीम को पुरस्कृत किया गया क्या? हाँ, ADG जोन बरेली महोदय द्वारा पुलिस टीम को 50,000 रुपये का इनाम दिया गया। पूरी घटना को कितने लोगों ने अंजाम दिया? टोटल जो इन्वॉल्व है इसमें अभी तक की पूछताछ में निकल के आया है उसमें 12 लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें से 10 लोग हमने अरेस्ट कर लिया, 2 लोग अभी फरार हैं, उन्हें जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। तो ये जो फरार हैं ये फ्लिपकार्ट से ताल्लुक रखते हैं या बाहर के लोग हैं? नहीं, ये बाहर के लोग हैं। रामपुर से KKD न्यूज संवाददाता अरविंद भटनागर की रिपोर्ट।